आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एबे थिएटर की तो एबे थिएटर को नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है ये थिएटर डबलिन आयरलैंड में लोकेटेड है और इसको 1904 में इस्टेब्लिस किया गया था डब्ल्यू वी एट्स और लेडी ऑगस्टा जॉर्जरी के द्वारा इनके साथ कई और भी राइटर्स थे आर्टिस्ट थे जिनका एम आयरिस कल्चर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना था जिसके जरिए ये लोग अपने प्लेज और आर्ट को दुनिया को दिखा सकें ऐबे थिएटर की एक लंबी हिस्ट्री रही है और आयरिस थिएटर और कल्चर के डेवलपमेंट में इसने अपना मेजर रोल प्ले किया था पिछले कुछ सेंचुरीज में इसकी स्टार्टिंग के टाइम में इस थिएटर ने आयरिस फोकलोर आयरिस मैथोलॉजी और हिस्ट्री पर फोकस किया मोस्टली ऐसे इवेंट्स और करेक्टर का यूज़ किया गया जो आयरस कल्चर से कनेक्टेड होती थी कुछ मोस्ट फेमस प्लेज ऐबे थिएटर में जैसे कि द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बाई जे एम सिंह कैथलीन इन हॉलीहोन बाई डब्ल्यू बी एट और लेडी जॉर्जरी का द प्लो एंड द स्टार बाई सीन ओ कैसी इन प्लेज ने एब थिएटर को स्टैब्लिश करने में मदद की इसके बाद से ये प्लेज लगातार परफॉर्म होते गए हैं पढ़े गए हैं आज भी आगे आने वाले समय में एबे थिएटर ने बहुत सारे चैलेंजेस और झगड़ों को फेस किया जिसमें सेंसरशिप फंडिंग कट्स और आर्टिस्टिक डायरेक्शन को लेकर झगड़े भी शामिल हैं लेकिन इन सब के बावजूद भी ये थिएटर आगे बढ़ता रहा और अब ये आयरिस कल्चर में एक लैंडमार्क की तरह है आज के समय में एबे थिएटर लगातार प्लेज को प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें आयरिस प्लेराइट के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेराइट भी भाग लेते हैं इस थिएटर के कुछ मेजर राइटर्स पर एक नज़र डालते हैं जैसे कि डब्ल्यू बी लेडी ऑगस्टा जॉर्जरी जे एम सिंह सीनो कैसी ब्रायन फ्रायल सैमुअल बेकेट टॉम मर्फी मैरियना कार एंडा वेल्स